नमस्कार दोस्तों, कंसल्टेशन के दौरान ढेर सारे सवाल मुझसे किए जाते हैं। कुछ सवाल कॉमन होते हैं, कॉमन मतलब ऐसे सवाल जो कई सारे दोस्तों के द्वारा, कई सारे भाइयों, कई सारे बहनों के द्वारा मुझसे किए जाते हैं। तो ऐसे सवाल जो मुझे लगते हैं कि कॉमन है, ऐसे सवालों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रखता हूँ और उन सवालों के फिर मैं आपको जवाब भी देता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप सभी के मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा, आ रहा होगा, या आने वाले वक्त में कभी ना कभी इस प्रकार का सवाल आपके में आ सकता है। ऐसे ही आज एक और सवाल के साथ और फिर उसके जवाब के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। सवाल यह कि सर, मेरी जो चंद्र राशि है उस राशि के अकॉर्डिंग, उस राशि के अनुसार मेरा नाम नहीं है। मेरा जो नाम है मेरी चंद्र राशि को बिल्कुल भी जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है, और कहीं इस वजह से तो मेरे जीवन में समस्याएं नहीं है या किसी प्रकार की समस्या इस वजह से तो नहीं आ जाएगी। तो एक बात यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो पहले भी कई सारे वीडियोस में मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अगेन इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिष में जहां कुंडली की हम बात कर रहे हैं, वहां पर आपके नाम में कुछ नहीं रखा। कहते ना, नाम में क्या रखा है। सचमुच में जहां पर हम कुंडली की बात कर रहे हैं, जहां पर हम आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ले रहे हैं, वहां पर नाम में कुछ भी नहीं रखा। मतलब आप यदि एक्स वाई जेड कहेंगे और फिर एग्जैक्ट बर्थ डेट, एग्जैक्ट बर्थ टाइम और ऑब्वियसली प्लेस यदि आप बताएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन यदि आप बताएंगे, तो उनका प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। वहां पर आप यदि नाम एक्स वाई जेड बोल देंगे या कोई और भी नाम बोल देंगे तो प्रेडिक्शन वही निकलेगा। नाम रख देने से, नाम बदल देने से प्रेडिक्शन नहीं बदल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरोलॉजी में होता है कि आपको जो है अंकों के आधार पर उन नामों को बैठाया जाता है, लेकिन वहां पर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो चंद्र राशि उस राशि के आधार पर ही आपका नाम होना चाहिए। वहां पर कुछ काउंटिंग्स होती हैं, कुछ गिनतियां होती हैं जिसके आधार पर आपके नाम को बैठाया जाता है। एक ए की जगह दो ए लगा दिए जाए जिसकी वजह से वो काउंटिंग जो है पूरी हो जाए, जो कि आपके भविष्य को, आपके भाग्य को अच्छा मजबूत करने का काम करे। लेकिन एक बात आप समझ लें कि चंद्र राशि जो है उसके आधार पर यदि आपका नाम नहीं है तो इससे आपके जीवन में, आपके वर्तमान में, आपके भविष्य में या आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का खराब, गलत परिणाम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। यदि आपको कैसे कैसे गलत परिणाम यदि देखने को मिल रहे हों तो वो नाम की वजह से, चंद्र राशि के आधार पर जो नाम नहीं है उस वजह से नहीं है। या आज आपके साथ सब कुछ अच्छा है भी, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपको कहीं ये शंका है कि कहीं आने वाले वक्त में इस वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाली, बिल्कुल चिंता आप ना करें। चंद्र राशि के आधार पर यदि नाम नहीं भी है तो अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए। कुछ दूसरी चीज़ें, दूसरी बातें ज़रूर फैक्टर करती हैं, उन्हें एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तब। तो बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा डाउट था, उसे मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया। आप बिल्कुल भी कभी भी डाउट में मत आइएगा, और दूसरों को भी एक बात बताइएगा, वीडियो शेयर करके बताइएगा या पर्सनली बताइएगा कि नाम जो है वो चंद्र राशि के आधार पर नहीं भी है तो भी आपके साथ उस वजह से, नाम चंद्र राशि के आधार पर न रखने की वजह से कोई खराब फल नहीं मिल रहा है या आने वाले वक्त में कभी भी कोई खराब फल नहीं मिलेगा, इसका कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ता। हाँ, एक बात जरूर है कि चंद्र राशि के आधार पर जो नामकरण संस्कार होता है उस समय जरूर से हम नाम रखते हैं, वो चंद्र राशि के आधार पर रखा जाता है, वो संस्कार होता है। ऐसी मान्यता भी होती है कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तब उस नाम से यदि पुकारा जाता है तो हमारे जो चंद्र होते हैं वो मजबूत होते हैं। और देखिए, चंद्र जो है उन्हें हमारे ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। चंद्र, लग्नेश और फिर जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह, ये तीन ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हमारी कुंडली के लिए हो जाते हैं, तो इन तीनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बचपन में यदि आप नाम रखते हैं कुछ और उसे आगे चल के बदल लेते हैं जो कि चंद्र राशि के आधार पर नहीं है, तो कोई चिंता की, कोई तनाव की बात यहाँ पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।